दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्ज़ी। और अभी सुबह के 7:17 हुआ है। आज है 21 फरवरी 2023 और अभी सात इवन इतना टाइम हो गया हो, फिर भी मतलब वेदर इतना, मतलब ऐसा लग रहा है ना बारिश देगा ऐसा लग रहा है। और क्योंकि हम लोग का किचन दूर में है तो घर से मतलब अंधेरा अंधेरा लग रहा था, तो अंधेरा होने से मैं नहीं मतलब निकलती हूँ। तो अभी इतना टाइम हो गया, ऐसा ऐसा है हालत, तो प्रॉब्लम हो गया बहुत ज़्यादा। टाइम भी बहुत ज़्यादा मेरा कंज्यूम कर लिया ये अंधेरापन। पता नहीं, बारिश देने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बारिश देने से ही अच्छा है। इतना ज़्यादा डस्ट होके रखा है ना, सबका हालत खराब, गुवाहाटी में ऐसा हालत होके रखा है। ये देखो समझ में आ रहा है ना, ऐसा होके रखा है। अभी पता नहीं ये कब भी बारिश देगा या फिर ऐसे ही रहेगा। एक तरफ कढ़ाई और एक तरफ राइस बिठा दिया है और ये मैं बनाऊंगी। तो इतना दौरा दौरा भागा भागा सा फील हो रहा है ना अभी, मतलब इस वेदर के वजह से। सोचा था मतलब इतना अंधेरा होके रखा, थोड़ा देर में निकलूँ, दो देर में निकलूँ, देरी हो गया मेरा। अभी फटाफट जैसे भी करके निकलना होगा मुझे। मतलब वेदर ने मतलब मेरे को धोखा दे दिया, ऐसा होके रखा था। अभी तो पता नहीं कैसे करके मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी ऑफिस, उसका टेंशन नहीं है। बट ऐसा वेदर होके रखने से लगता है कि थोड़ा सा सो जाओ, सच में लग रहा है कि मैं थोड़ा सा सो जाऊँ, बट उपाय नहीं है, जाना होगा। मैं ना दोस्तों सुबह क्या पकाती कैसे पकाती कुछ आइडिया नहीं रहता मुझे, कुछ आइडिया नहीं रहता। ये देखो थोड़ा सा फ्राई किया, फिर पानी में दे दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को सुबह टाइम नहीं है कि इसको मैं अच्छे से पकाऊँ वो करूँ। तो सुबह मतलब कैसे जाती हूँ मुझे पता है, और इतना कष्ट करके वीडियो करती हूँ। ऑब्वियसली दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया तो जाइए जाके फॉलो कीजिए। मज़ेदार वीडियो करे हुए हैं उधर और आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एस चक्रवर्ती 71 वहाँ पे जाके बिंदास फॉलो कीजिए। दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ ऑफिस, और वेदर अभी भी ठीक नहीं हुआ है। और मतलब गाड़ी जो चला रहे, गाड़ी हो स्कूटी हो, सब लोग अपना अपना जो गाड़ी का हेडलाइट होता है ना वो जला के मतलब गाड़ी रन कर रहे हैं। क्या जो के रखा है ना गुवाहाटी में, ऐसा ऐसा एकदम ही पहले नहीं था गुवाहाटी में। बट अभी इतना ज़्यादा डस्ट पोल्यूशन, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा। देखो दोस्तों पूरा अंधेरा होके रखा है, पूरा अंधेरा हो चुका है अभी। अभी पता नहीं बारिश आएगा या फिर क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। बारिश आने से ठीक है, थोड़ा सा डस्ट कम होगा, लेकिन ऐसा होके रखा है अभी। दोस्तों वो वाले शोरूम जो आप देख रहे हो वहाँ पे देखिए लाइट जला दिया है, और अभी ऐसे वेदर होके रखा है, कुछ कुछ व्हीकल्स लाइट जला के जा रहे हैं रास्ते में। तो मैंने थोड़ा गर्म पानी बनाया है ऑफिस में, क्योंकि मेरा जो डस्ट है ना इतना ज़्यादा मतलब जाने से मेरे नाक से मेरे मुंह से, तो थोड़ा सा गला खींची खींची लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म पानी मैंने बना लिया है। दोस्तों बारिश पूरा स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो और साउंड भी सुन सकते हो। और ये बारिश की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत था हम लोग इधर, बहुत ज़्यादा। तो आई एम हैप्पी कि बारिश हो रही है। आप लोगों को कैसे, आप लोगों को अच्छा लगा कि बारिश हुआ आज, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वो उधर देखिए एकदम ही मतलब जो पहाड़ है ना वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा फॉग होके रखा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो दोस्तों ये मेरा डिनर है, और मम्मी के हाथ का वर्ल्ड बेस्ट आलू भाजी है। या अगर आप लोग कोई भी खाओगे ना तो खाते रह जाओगे, बस इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। हाँ दोस्तों मैं ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा सो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। फिर मम्मी को बोला कि मुझे हॉट वाटर बैग दो, तो थोड़ा सा बुखार आ गया था मुझे, और गले का भी थोड़ा फिर से मतलब प्रॉब्लम दे रहा है।
एक्चुअली डस्ट इतना ज़्यादा हुआ है कि मेरा गला प्रॉपर ठीक तरीके से नहीं हो रहा। मतलब खराश सा फील होता है अभी भी, एंड बहुत ज़्यादा डस्ट होके रखा है। और आज जो बारिश दिया वो बिल्कुल ही, मतलब हुआ तो है लेकिन वो वर्थ नहीं था। और भी ज़्यादा मतलब बारिश चाहिए हम लोग इधर। एंड थोड़ा सा बुखार आ गया था तो डर गई थी मैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मतलब लगा हुआ है इस सीज़न, मतलब तो ये सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप लोग भी मतलब अच्छे से रहिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और कल मिलते हुए नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रखिए। और प्लीज़ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि मैं कुछ अभी नया जगह एक्सप्लोर तो नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज़ जो फैक्ट बात है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को झूठ बात के नहीं मैंने ये जगह जाऊँगी एंड ऑल दैट, बट नहीं होगा क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो कि मेरा शेड्यूल ऐसे होके रखा है। तो थोड़ा सा सपोर्ट शेयर कर दीजिएगा, इतने बिजी में मैं वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट मी, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हुए एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। जय हिंद।